यस सो गाइस वेरी गुड इवनिंग। आज मैं टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ वो रहेगा गाइस आपका सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020 की रिक्रूटमेंट के बारे में कि इसका एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा फॉर रिटन एग्जामिनेशन फॉर पीएसटीज फिजिकल डेट कब होने वाली है। सारी की सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आज मैं इस वीडियो के माध्यम से कवर करने जा रहा हूँ। तो गाइस प्लीज मेक श्योर डैट आपका कोई भी छोटा सा छोटा टॉपिक ना छूट जाए। उसके लिए मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा, प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा यूजफुल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स, ठीक है। तो गाइज सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर, क्योंकि जो भी बात होगी वो ऑफिशियली होगी, ठीक है, और उसके बाद में हम आपको सारे प्रोसीजर इसके बताएंगे, ठीक है। तो गाइज एज पर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका रिटन एग्जामिनेशन रखा गया है 20 दिसंबर 2020 को, यानी कि इसी साल दिसंबर के 20 तारीख को इसका एग्जाम हो जाएगा, यानी कि 20 दिसंबर 2020 को इसका एग्जामिनेशन रखा गया है। अब ये मुझे नहीं पता है कि ऑल ओवर द इंडिया कितने एग्जामिनेशन सेंटर्स रखे गए हैं, एक बार में कितने बच्चों को एग्जाम होगा उसके मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इसका एज पर द डेट इसका 20 दिसंबर को एग्जामिनेशन होना है। और दोस्तों मान के चलिए कि 20 दिसंबर को अगर आपका एग्जामिनेशन होना है तो उससे अभी महीना चल रहा है आपका सितंबर का, सितंबर का मंथ चल रहा है दोस्तों, तो आपका जो फिजिकल होंगे, फिजिकल जो आपके होंगे वो 15 अक्टूबर के बाद होंगे एज पर आर इंफॉर्मेशन, एज पर माय आइडिया, एज पर इंफॉर्मेशन, ठीक है। जो प्रोबेबिलिटी जो बात निकल के आ रही है कि 15 अक्टूबर के बाद में ही आपके फिजिकल होंगे, जो भी फिजिकल है, चाहे आपके 1600 मीटर की दौड़ है, चाहे 5 किलोमीटर की दौड़ है, जो भी है जो फिजिकल होता है वो आपका 15 अक्टूबर के बाद में कमेंस कर दिए जाएंगे ऑल ओवर द इंडिया में। और एग्जामिनेशन सेंटर्स भी बहुत ही सारे हैं, आपको पता ही होगा, न्यू दिल्ली है, जम्मू है, थोड़ा मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ नीचे, आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से इसके एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, और आपको भी पता लग जाना चाहिए कि यार बिल्कुल, क्योंकि आप एक फॉर्म भर रहे हो आपको पूछ लेगी एग्जामिनेशन सेंटर कौन कौन से हैं, तो आपको एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए, राइट। सो इस एग्जामिनेशन सेंटर में आपको ले चलता हूँ, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, थोड़ा सा और डाउन करते हैं यार, थोड़ा सा लंबी पीडीएफ है गाइस, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर्स तो दोस्तों जहाँ पे आपका एग्जाम होना है, पहला दिल्ली है, फिर हैदराबाद, गुवाहाटी, जम्मू, प्रयागराज, अजमेर, नागपुर, मुजफ्फरपुर, पल्लीपुरम, तो कुल मिला के 9 एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं जहाँ आपका आपका एग्जाम होगा। एज पर द सीआरपीएफ 20 दिसंबर को आपका एग्जाम होगा इन्हीं एग्जाम सेंटर्स में, किसी 9 एग्जाम सेंटर में से किसी एक एग्जाम सेंटर में आपका रिटन टेस्ट होगा। और एज पर माई एनडीए जो आपका फिजिकल होगा दोस्तों वो होगा आपका 15 अक्टूबर के बाद में, ठीक है, 15 अक्टूबर के बाद में आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे ऑल ओवर द इंडिया, ओके। तो 1600 मीटर की दौड़ रहेगी, अगर आप ट्रेडमैन के लिए भर रहे हो तो आपकी जो दौड़ होगी वो कम से कम भी आई थिंक सो लगभग 7 मिनट से ऊपर ही समय मिलेगा आपको, ठीक है, 7 मिनट से ऊपर ही समय मिलेगा। और अगर मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करूँ कि इसमें समय कितना लिख रखा है, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखिए रेस फॉर मेल 1600 मीटर की दौड़ 10 मिनट लिख रखा है, तो यार ये देखो 3 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं आपको 10 मिनट का, तो यानी कि वो बंदा भी निकाल सकता है जिसने कभी दौड़ लगाई नहीं रखी है, कभी किसी ने दौड़ नहीं लगा रखी तो वो भी निकाल लेगा। और अगर फीमेल हो तो फीमेल में 1600 मीटर की दौड़ रहेगी 12 मिनट में, 6 मिनट की दौड़ आपको करनी है, ठीक है, 800 मीटर की दौड़ करनी है 6 मिनट में, और 1600 मीटर की दौड़ करनी है 12 मिनट में, और अगर आप मेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 1600 मीटर की दौड़ करनी है 10 मिनट में, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले आपका होगा फिजिकल, फिजिकल के बाद होगा आपका रिटन टेस्ट जो कि 2 पार्ट में बांटा गया है 50-50 नंबर में, उसके बाद आपका होगा स्किल टेस्ट, स्किल टेस्ट के बाद में आपका होगा आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन के बाद होगा मेडिकल, मेडिकल के बाद होगा आपका जो बच्चे टेम्प्रेरी अनफिट होंगे उनका री मेडिकल होगा, और जो पास कर जाएंगे मेडिकल को तो उनका सीधा मेल लिस्ट के लिए उन्हें बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो वैकेंसीज हैं जो इसमें नोटिफाइड कर रखी हैं एज पर द सीआरपीएफ, मैं आपको बताना चाहूँगा कितनी है। तो गाइज इनका जो मेन स्कोर, जो मेन आंकड़ा है, थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करता हूँ नीचे, तो एज पर ये देखिए यहाँ पे लगभग 1500 के आसपास वैकेंसीज हैं एज, ठीक है। तो ये जो है कॉन्स्टेबल जो आपका जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसके लिए है, ओके। सो गाइज मैं यही कहूँगा कि ये जो ऐसी भर्ती है जिसमें आपका सर्टिफिकेट होना जरूरी है, यानी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है। तो आपको मैंने वीडियो में कवर कर दिया है कि आपका एडमिट कार्ड कब आएगा फिजिकल के लिए, तो वो आएगा आपका 15 अक्टूबर के बाद में, ठीक है। रिटन टेस्ट कब होगा दोस्तों वो तो आपको मैंने बता दिया 20 दिसंबर को, 20
पीएसटी आपके पीएफटी जो होंगे 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे, इसी के बाद में जो भी होगा चलेगा, लेकिन इस मंथ कोई भी अपडेट नहीं है मेरे पास रिगार्डिंग एनी अपडेट रिगार्डिंग सीआरपीएफ। ठीक है, तो गाइस ये थी वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहते थे, इन्फॉर्मेशन जो करंट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपके साथ कवर अप कर दी है। एंड आई होप सो आपको इसको सुन के काफ़ी ज़्यादा संतुष्टि मिल गई होगी गाइस। तो ज़्यादा समय नहीं बचा है, प्लीज़ अपना मेहनत करें, रिटर्न निकालने में मेहनत करें। बहुत ही अच्छी सेंट्रलाइज्ड फोर्स है दोस्तों, बहुत ही वन ऑफ द बिगेस्ट पैरामिलिट्री फोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड है दोस्तों, ना कि इंडिया सीआरपीएफ। तो आपको गर्व होना चाहिए इसके ऊपर। ओके सो गाइज ये बात है, एंड फॉर फर्दर असिस्टेंस आप मुझे मेल कर सकते हैं, अपने कमेंट कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, आपके लिए आप कमेंट बॉक्स 2400 घंटे खुला हुआ है, तो कभी भी कमेंट करें और रिप्लाई आपका मैं देता रहूँगा। और अगर नेगेटिव कमेंट्स आते हैं तो मैं उन्हें इग्नोर और डिलीट भी कर दूंगा, बिकॉज इस चैनल पे कुछ भी नेगेटिव या कुछ गलत नहीं बोला जाता है, तो मुझसे गलत सुना भी नहीं जाता है और ना गलत बोला जाता है। सो गाइस ये बात है कि 15 अक्टूबर के बाद में आपको आपका एडमिट कार्ड लॉन्च हो जाएंगे, किसी भी समय किसी भी तारीख को 15 अक्टूबर के बाद में लॉन्च कर दी जाएगी। सो पहले आपका फिजिकल होगा, फिर आपका रिटर्न होगा, फिर ट्रेन टेस्ट होगा, एंड देन उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल फर्दर प्रोसीजर आके कंटिन्यू हो जाएंगे। ठीक है, सो अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब मत बोलना चाहिए जवाब।